अब महाकाल की पहली सावन की सवारी को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की। सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की सोमवार को निकलने वाली सवारी की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के तहत निकलने वाली सवारी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सावन के पहले सोमवार को निकलने वाली सवारी के मद्देनजर रखते हुए आज जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई है। साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए महाकाल मंदिर क्षेत्र में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों का जाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं श्रद्धालु गाना वर्चुअल के माध्यम से बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन कर सकेंगे। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने प्रशासन की व्यवस्था को सहयोग करने का निवेदन किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में जो श्रावण मास है उसकी जो पहली सवारी है उसको लेकर के व्यवस्था की समीक्षा और किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी उसको लेकर के आज बैठक बुलाई गई है और उसमें सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो श्रावण मास में निकलने वाली जो पहली सवारी है इसमें आम श्रद्धालु और आम जनों की जो दर्शन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो बाबा महाकाल की सवारी है केवल उसमें जो पुजारी और साथ में जो कहार हैं वो रहेंगे। आने जाने वाले जो सभी मार्ग हैं महाकालेश्वर मंदिर और रामघाट के चारों तरफ जो आने वाले सभी मार्ग हैं उनको ही पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तो कल मतलब दिन सोमवार को 11 बजे से लेकर के प्रातः 11 बजे से और 6 बजे तक पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तो आम श्रद्धालुओं को इसमें सभी को ये सलाह भी दी जाती है कि चूंकि ये कोविड गाइडलाइन को लेकर के ये सवारी निकली जा रही है इसमें आम श्रद्धालु नहीं आए कोई भी शामिल होगा।